कदम। जी सर। कमिश्नर सर को इन्फॉर्म कर, होम मिनिस्ट्री से बात करके रखे, कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती है। ओके सर। कमांड जल्दी जाओ, ये फ्लाइट ट्रैक करो, कहाँ जा रही है। सर ये तो नांदेड़ की तरफ जा रही है। नांदेड़? यस सर। ये तो कदम हो गया। सर नांदेड़ पुलिस अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर कि प्लेन उनके वहां पहुंच रही है, मैं यहां की अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर रहा हूं। जल्दी जा। सर ये पायलट कॉल आ रहा है, जल्दी उठाओ। यस यस कैप्टन। कैप्टन नहीं, मैं बोल रहा हूं तेरा बाप। अगर तुम चाहते हो कि ये फ्लाइट सही सलामत लैंड हो तो नागपुर पुलिस से कहो कि रबाकांत पुजारी को हमारे हवाले कर दे। डीसीपी विराट चव्हाण बोल रहा हूं। रमाकांत पुजारी की रिहाई सिर्फ नागपुर पुलिस के हाथ में नहीं है। लेकिन पकड़ा तो नागपुर पुलिस ने है ना, हमें रामा भाऊ चाहिए और साथ में 50 करोड़ कैश भी, वरना हम इस फ्लाइट के एक एक पैसेंजर को मार देंगे। ये फ्लाइट नांदेड़ के पुराने एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड होगी। रामा भाऊ को नांदेड़ लाने में जितना ज्यादा वक्त लगेगा उतने ही पैसेंजर्स की लाशें तुम्हें तोहफे में मिलेगी। मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, रमाकांत को लेकर आने में, गवर्नमेंट से परमिशन लेने में, ये सब करने में वक्त लगेगा। ये सब लंबा प्रोसेस है। तब तक मैं खुद 50 करोड़ कैश लेकर नांदेड़ पहुंचता हूं, ठीक है? और रमाकांत को लाने की जल्दी जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा। तब तक तुम किसी भी पैसेंजर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, तुम्हारी जितनी भी मांगे हैं सब पूरी की जाएंगी, लेकिन किसी भी पैसेंजर या क्रू को तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ठीक है। दादा ये आपने क्या कर दिया? विराट चव्हाण को यहां पर क्यों बुला रहे? इसी विराट चव्हाण ने हमारे रामा भाऊ को पकड़ा था ना, अब वो ही उसे लेकर हमारे पास आएगा नाक रगड़ते हुए। फिर इस बंदूक की सारी गोलियां मैं उसके सीने के अंदर उतार दूंगा, ताकि आगे से कोई भी पुलिस वाला हमारी तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना करे। सभी भी उसी फ्लैट में है। आप लोग 5 आदमी हैं, 5 गन है, बम है आपके पास, उसके दम पर आपने हमारे चारों को दम गया हुआ है, क्यों कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत करिए। नहीं, चुप कर, मुंह बंद रख। सही उसी फ्लैट में है, इतने बड़े खतरे में हूँ। लेकिन फिर भी उसने बिना उन टेररिस्ट को भनक पड़े हमें वो इन्फॉर्मेशन दे दी। कदम 5 हाईजैकर्स हैं, गन्स और बॉम्ब्स के साथ हैं। बहुत फिक्र है तुझे उस डीसीपी की? लगता क्या है वो तेरा, हाँ मुंह बंद रखने का, वरना अगर मैंने मुंह बंद किया ना तो दोबारा कभी नहीं खुलेगा, समझ रहा? सर पैसे लेकर मैं जाऊंगा और सभी पैसेंजर्स को सही सलामत वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी। नहीं विराट, वो लोग तो चाहते हैं कि तुम आओ, क्योंकि तुमने ही रामाकांत को अरेस्ट किया था ना। वो लोग तुम्हें टारगेट करके एक एग्जांपल सेट करना चाहेंगे। इन क्रिमिनल्स की सोच को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सर मैं जानता हूं मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें उन 150 मासूम पैसेंजर्स के बारे में सोचना होगा जो उन दरिंदों के बीच में फंसे हुए हैं। सर प्लीज मुझे परमिशन दे दीजिए, उन्हें मेरी जान लेनी है ना, लेने दीजिए। मैं जानता हूं तुम किसी के रोकने से तो रुकोगे नहीं, ठीक है हम तुम्हें परमिशन देते हैं। थैंक यू। मैं भी यही चाहता हूं कि हमारा बेस्ट ऑफिसर ही वहां पैसे लेकर जाए। विराट तुम फौरन ही नांदेड़ के लिए रवाना हो जाओ, मैं अपने किसी आदमी को पैसे देकर वहां भेजता हूँ। ओके। और हाँ, रमाकांत को तुम ही साथ लेकर जाओगे। थैंक यू सर, निकलने के लिए तैयार होता हूँ मैं। All the best. तुम है किसी के प्यार में, सोमवार से रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।